हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हमारे खाने में है कचरी की चटनी, यम्मी। इसमें जीरे का तड़का भी लगा दिया है सर ने। और क्या डाला सर इसमें? हिंग भी डाली है ना। जीरे का तड़का लगाया है कचरी की चटनी में। वाह वाह, यम्मी। और ये फ्रेंड्स हमारे स्प्राउट्स हैं जो स्टीम में किए हुए हैं। आपने खा लिए स्प्राउट्स? हाँ जी सर ने खा लिए, ये मेरे बचे हुए। और ये अगले दिन के लिए कपड़े में लपेट कर रखे हूँ। और मोट पहले भी बो दिए थे 10-12 घंटे के लिए, अभी कपड़े में लपेट कर रखे हुए हैं। ये अगले दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। और ये है फ्रेंड हमारी लस्सी, यम्मी यम्मी। इसमें मैंने डाला है जीरा भुना हुआ पाउडर और काला नमक। बहुत ही मजा आने वाला है आज खाने में। और ये है हमारा साग, हरा साग। इस मौसम में किस किस ने बना लिया है बताना। देखो यम्मी यम्मी तड़का। वाह जी वाह 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 वाह। अभी मक्की काट रहा है तो आना शुरू नहीं हुआ है ना सर? आ रहा है। आ गया? अच्छा, मक्की का आटा शुरू हो गया है आना सर कह रहे हैं, तो वो भी लाएंगे। ओहो, मेरे सामने जो ले गया बंदा कट्टा भरा था। अच्छा, बेसन बेसन है? हाँ जी, एक किलो मक्की का आटा उधर उसी में एक था। अच्छा, आ गया है सर कह रहे हैं, मक्की का आटा स्टार्ट हो गया, पता नहीं था। तो फ्रेंड की आज हमारे खाने में है बहुत ही यम्मी खाना। मुझे तो ये वाला खाना बहुत ही टेस्टी लगता है, जो अपना सिंपल खाना होता है ये। और लस्सी, चटनी, कचरी की, वो सरसों का साग, इसके सामने कोई 5-स्टार होटल नकल नहीं कर सकता। तो इस खाने के सामने मेरे हिसाब से मुझे नहीं ज़्यादा, जब कोई कितना ही अच्छा होटल हो फ्रेंड, मेरे मन में संतुष्टि नहीं होती। मुझे लगता है कि पता नहीं इन्होंने अच्छे से सब्जी को धोया भी होगा या नहीं धोया होगा, क्या किया होगा, किन हाथों से बनाया होगा, पता नहीं मेरे मन में क्यों पहले से आंसर हो जाती। जो संतुष्टि मुझे अपने घर के सिंपल खाने में आती है, जो मेरे पेट को भी शांति मिलती है खाने से। हाँ, तो आज हमारे खाने में ये है और आगे का काम करते हैं, अभी देखते रहना। सर ने सफाई कर दी, शुरू कर दी है फ्रेंड्स आज सीढ़ियों के नीचे ये जो कबाड़ पड़ा रहता है। कई बार हम सोचते हैं फालतू की चीजें हैं, लेकिन वो कभी ना कभी काम आ जाती हैं। धीरे धीरे दिवाली की सफाई शुरू हो गई है। वो इतना कम निकला है सर है? हाँ, दिए वगैरह संभाल के रख लेते हैं ना दिवाली पर, जो दिए जलाते हैं वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं फिर ये। चलो अब तो नए ही लाएंगे हम। एक दो सर? हाँ कोई नहीं, तो वैसे फालतू हम संभाल संभाल के रखते रहते हैं चीज़ों को। ये आटा वगैरह आता है ना कट्टों में, आटा लाते हैं पिसवा कर, वो सारे इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अखबार वगैरह तो नहीं होंगे ना इसके नीचे? वो अंदर है, वो निकाल लेंगे आज, रद्दी वगैरह भी निकाल देंगे सारी। वो ले लेते सर डस्ट उठाने वाला डस्ट पैन, हाथ खराब ना हो। क्या है ये? प्लास्टिक लोहा इसमें डाल लिया है। अच्छा, कैसा कलर है ये? रंगोली के लिए सर रख दो, अभी दिवाली पर काम आएंगे, रंगोली बनाऊंगी तब। ये
ऊपर क्या रख रखे आपने? क्या ये पोस्टमैन वाला सामान ले जाऊंगा ना? शू स्टैंड के ऊपर क्या है ये? अच्छा, कितने सारे इकट्ठे हो रहे हैं? मैं ये थैले सुलते फेंक दो, लेकिन अगर वो हो ना इसमें पॉलीथीन ऊपर की सफाई करोगे अब? वैसे एक दिन मैं गई थी अभी छत पे, साफ सुथरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, पर ले जाना झाड़ू वैसे मार देना। झाड़ू ऊपर है, पेट्रोल पर आए हैं, रुके हैं रास्ते में, पेट्रोल पंप है तो हमने पेट्रोल लेना था। ये देखो हरे का सहारा, जय हो बाबा, जय हो, जय हो। और ये देखो इन्होंने अभी से ही अपना पेट्रोल पंप सजा लिया है लड़ियों से, क्योंकि दिवाली के तो ज्यादा दिन रहे। देखो चारों तरफ लड़ियां लगा रखी इन्होंने, रात के टाइम पे लाइटें वगैरह भी हैं तो जलते होंगे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता हुआ, चारों तरफ लगा रखी इन्होंने। ये देखो यहाँ पर भी, ये देखो वो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं गाड़ी में से, तो दिखाई दे रहा है ऐसे। तो हम सब भी बाहर निकलते हैं फ्रेंड, तो तेल वगैरह अगर लेना होता है तो साथ के साथ डलवा ही लेते हैं, ताकि फिर दोबारा से राउंड ना लगे, और ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में भागे आदमी की गाड़ी का या स्कूटी का तेल ख़त्म हो गया है, पहले से एडवांस में रखते हैं। सर तो खुद ही खींच के ले जाने लगे थे रिक्शा को। ये है अमरूद का पेड़, अमरूद तो नहीं लगे हैं इसमें, वैसे फूल लगे, ये रहा वो। यहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, कूड़ा। और ये भी अमरूद का ही पेड़ है फ्रेंड, किस टाइम सफाई हो रही है, तो सफाई हो, कितना साफ सुथरा कर दिया इन्होंने, वाह कितनी सफाई रहती है यहाँ पर। ये देखो हो रही दूर, वो खड़ी गाय आप लोगों को दिखाई दे रही है, दूर खड़ी है। सफाई वगैरह तो बहुत रखते हैं फ्रेंड ये। और ये पक्षियों के लिए देखो, पक्षियों के लिए ऊपर टांग रखे हैं, वो देखो पक्षी बैठ भी रहे हैं, और पानी का भी बांध रखे, देखो जगह जगह पानी भी रखा हुआ है। कुछ गायें इधर खड़ी हैं, वो रही दूर दूर दूर, और कुछ वो सामने देखो आप, सफाई के बाद ये गोबर वगैरह इकट्ठा कर रखा है, और ये चारा। पचास कितने के हैं? 100 कितने के हैं? 80 रुपए के, 80 के 100, 40 किलो के 50। हाँ, और ये वाले, ये चमकीन, ये वाले, ये 100 रुपए के 50, 100 के 50 ये रखते हैं। हाँ हाँ, ये जो चिलम है ये सजावट के लिए है, ये लोग हुक्का पीने के लिए ले जाते,
वो कब पीने के लिए? मैं कह रहा ऐसे सजावट सी की बना रखी है ना। मैं भी इसी स्कूल में टीचर थी, हाँ हिंदू स्कूल में। सुरक्षा थी, संदला मैडम थी, कृष्णा गुप्ता, वो सारी मैडम अब वो सारी रिटायर हो ली ना। सुरक्षा तो छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी थी। सुरक्षा तो दूर रहने लगी थी। कहाँ चली गई? पता नहीं गया। अच्छा ये बेच दिया इसको, यहाँ रहती थी ये नहीं पता, पर वो दूर चली गई। अच्छा उसके बेटे की शादी है। वो कब की है? तुम्हारे के बाद देवकी ब्याज की। अच्छा आपको कैसे खबर उसकी? आपकी क्या बोल चाल है हमारी, फोन आते जाते रहे। अच्छा बाला नहीं लगी हुई है? बाला हाँ हाँ इसके पास खबर आई है। हाँ बाला हमारे स्कूल में डालोगे आप? 5, 10, 15 उमा बाला फूलवती। फूलवती भी रिटायर हो गई क्या? पता नहीं। ये यहाँ का बहुत ही प्राचीन, आप ये कहोगे कि सारे प्राचीन चीजें हैं, हाँ प्राचीन है, वाकई में प्राचीन है ये मंदिर, शनि देव का मंदिर। बहुत मान्यता है फ्रेंड यहाँ पर। शाम के टाइम देखना आप, इतनी भीड़, इतना भीड़ भड़ाका मिलेगा यहाँ पर। ये क्या बेच रहा है? अमरूद नहीं, गुड़ बेचने वाले आने लगे। सोनीपत माना हुआ है प्राचीन, हाँ का टाइम का है फ्रेंड। ऐसे मत समझना कि मैं कोई वैसे कह रही हूँ आप लोगों को, वाकई में ही सोनीपत कौरव पांडव टीले पे स्वर्ण प्रसंग राले है, कोट के ऊपर स्वर्ण प्रसंग राले है, जो पुरानी चीजें हैं उस टाइम के है। हाँ और शंभु जाल जो है, यहाँ शिवलिंग है, ये शंभु जाल, ये भी कौरव पांडव के टाइम का है। हाँ ये तो है फ्रेंड हिंदू स्कूल, ये जो हमारा मेन स्कूल है, ये वाला 14-15 संस्था है, बहुत बड़ा है। हाँ ये सर इसकी स्थापना हुई थी 1914 में, शायद 1914 का है। हाँ ये स्कूल जो है हमारा हिंदू स्कूल, अंग्रेजों के टाइम का है, ये अंग्रेजों के टाइम का ही बना हुआ है। और इससे अगला है ये, देखो ये है, ये हमारे स्कूल का ही गेट है मेन, इधर से उधर से भी है ये गेट, हमारा स्कूल है मेन हमारा ये। और ये ग्रीन बिल्डिंग आगे है, ये आगे है शंभुदयाल स्कूल की, भगवान शिव के नाम से शंभुदयाल। हाँ इसलिए इस स्कूल का नाम शंभु रखा गया, शंभु क्योंकि इसमें शिवलिंग है ओरिजिनल पांडवों के टाइम का प्राचीन मंदिर। अब वो मंदिर पहले तो वैसे ही निकला था, वो अब मंदिर का रूप धारण कर लिया है, मतलब मंदिर बना दिया है, स्कूल के अंदर है बहुत सालों से। और शिवरात्रि पर बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ होते, बहुत ज्यादा मान्यता है। और वाकई में ही सोनीपत की कहानी है, हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि कोई वैसे ये प्राचीन प्राचीन कह रही हूँ मैं, रियलिटी में। और वो मैंने आपको वो नहीं दिखाया रास्ते में, मकबरा था जो, वो भी कभी उर्दू में ही लैंग्वेज में, कौन उर्दू भी नहीं है, पता नहीं फारसी कुर्सी है, फारसी क्या समझ में नहीं आती वो लैंग्वेज क्या है। और हम अब जा रहे हैं फ्रेंड हम ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। ग्रोसरी का सामान हमें अपनी मार्केट में भी मिल जाता 15 सेक्टर में भी, लेकिन फ्रेंड अब हम जाएंगे, ये है थोक की शॉप जो हमें ठीक रेट पर मिलती है। हम मखाने वगैरह भी ले आएंगे, वह तो रखे हुए अभी हमारे पास। ये देखो दिवाली की डेकोरेशन शुरू हो गई है, मार्केट सज गई है, क्योंकि एक हफ्ता भी नहीं बचा अभी तो, जल्दी ही आने वाली है दिवाली। वह तो हमारे मखाने वगैरह एक पैकेट रखा हुआ था, लेकिन और भी ले लेंगे, जैसे है बादाम है, अखरोट हैं, दाले वाले, कश्मीरी मिर्च, बहुत सारा सामान, जैसे ये जा रहे हैं तो ये भी चीज़ें ले लेंगे हम। ये फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे अमरूद दिखाई दिए मुझे, बीच में ही गाड़ी रोक रखी है हमने, हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है। मैंने कहा सर ये वाले अमरूद तो ले लो, छोड़ो मत, देखो कितने फ्रेश फ्रेश हैं बिल्कुल। और हमने फिर पताशे भी लेने हैं, पर अब आज का तो देखो फ्रेंड, देखो आप इधर भी साइड में भी दिवाली की वजह से, ये देखो
बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़ाका है, गाड़ी तो लानी ही नहीं चाहिए आपको, स्कूटी वगैरह पर ही आ जाओ बस। ये गुड मंडी बोलते हैं फ्रेंड इस मार्केट को, ये बहुत ही पुरानी ही मतलब पहले यही होता था ये सेक्टर वगैरह में, तो बाद में मार्केट वगैरह बनी है। ये इस एरिया को बोलते हैं गुड मंडी। इधर का एरिया तो मैंने शायद आपको दिखाया नहीं होगा कभी भी। और इसी एरिया में साड़ियां मिलती हैं फ्रेंड्स सोनीपत में, तो खासकर वैसे तो मिल जाएंगी सेक्टर वगैरह में भी, वैसे भी मिल जाएंगी दूसरे मार्केट में, लेकिन मेन साड़ियां अगर लेनी है तो यहाँ गुड मंडी बोलते हैं इसको, तो मेन साड़ियों का तो यही है जिसने भी लेनी हो। ये भड़भूजो वाली गली बोलते हैं इसको, या भाड़ है चने बुनते हैं, दीप साड़ी टेरने वालों की ये। ये हरियाणा साड़ी फेमस है साड़ियों के लिए शॉप। यहाँ से ले लो ना सर, ये खीर पता से ले लेते हम, जगह मिल जाती तो हमें दोबारा से नहीं आना पड़ता। ये देखो दो मिनट खड़ी नहीं कर सकते हम, हाँ ले आओ ये नहीं कर सकते अंदर सामान लेके यहाँ रख। ये देखो फ्रेंड्स रिलायंस का मार्ट है यहाँ पर, और गाड़ी अंदर पार्किंग भी है लेकिन देखो जगह नहीं है पार्किंग में, इतनी शॉपिंग होने लग रही है लोगों की, गिफ्ट वगैरह लेने हैं और कुछ सामान लेना है। देखो बाहर गाड़ी खड़ी कर रखी है, बिलिंग में नंबर नहीं आता यहाँ तो बेवकूफी आ गई। हाँ मैं तो सर को कहती हूँ, मैं इतने बिलिंग में तो आदमी अपने आप छाट लेगा, पांच मिनट में बिलिंग के लिए घंटे खड़े रहो। सामान तो खरीदते है आदमी जल्दी जल्दी, लेकिन सामान तो अपने आप उठाना है ना, आप ले सकते हो, और बिलिंग करने में पैर दुखने लग जाते हैं। आने वाला है हमारा भी सेक्टर, और आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, पूरा सोनीपत घुमा दिया आज आपको, और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय 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 फ्रेंड्स।